सो वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टेक्निक के साथ न्यू डिज़ाइंस क्रिएट करने वाले यस yes, टाइपोग्राफी है थोड़ा टेक्निक्स यूज़ करेंगे ठीक है तो आपको पता होगा एक ट्रेंड यूज़ हो रहा है अभी टाइपोग्राफी में ब्लर यूज़ करने ब्लर एक्चुअली यूज होता है फोटोग्राफिक टर्म्स में ठीक है तो उसको हम लोग टाइपोग्राफी डिज़ाइन में इम्पली इम्प्लीमेंट करके उसको कैसे गुड वे में रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखने वाले हैं इन साइड फ़ोटो सब और इस वीडियो को एंड तक देखना आप एंड तक नहीं देखते हो वीडियो और 99% परसेंट लोग देख के भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए तो चलो बात करते हैं टाइपोग्राफी का मैं क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो कि जो क्रिएट करने वाले हम लोग टाइपोग्राफी में इसमें क्या करेंगे एक आ, टाइप फेस यूज करेंगे जो कि नॉर्मल रहेगा या फिर बोल्ड रहेगा ट्रेन के हिसाब से और उसमें ब्लर यूज़ करेंगे और कुछ उसमें टेक्सचर भी ऐड करेंगे उट फॉर्डर टू लेट्स गेट टू स्टार्ट सो गाइज देख सकते मैंने यहाँ पे फोटोशॉप ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते एक टाइपोग्राफी मैंने यूज किया है यहाँ पे देख सकते मैंने मार्क tool से मार्क कर दिया देख सकते एक कैसा ट्रेंडी लुक आ रहा है जैसा फ्रेशनेस कहीं ना कहीं कुछ ग्ली ची लाइक like, ये ट्रेंड है ना ट्रेंड में भी टाइपोग्राफी क्या चीज से रिलेट करता है एक बोल्ड कंटेंट के साथ लाइक बोल्ड चीज जैसे हम लोग गेमिंग हो गया ठीक है जैसा हम लोग फैशन में भी यूज कर सकते हैं बट मैं बोलता हूँ ऐसा चीज़ गेमिंग में यूज करने के लिए बहुत ही बेस्ट है अगर आप गेमिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट है थंबनेल डिज़ाइन के लिए और बैनर और आपके लिए जैसा टेम्पलेट्स बनाते है उसके लिए अच्छा है तो इसको कैसे क्रिएट करना है तो हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट्स लेंगे ठीक है तो अराउंड टूवेल एटी बाई टूवेल एटी नहीं लेंगे स्क्वायर हो गया है ठीक है टूवेल एटी बाई सेवन ट्वेंटी लूँगा थर्मेल साइज का ठीक है इसका नेम क्रिएट कर दूंगा हम लोग टाइपोग्राफिक ओके दूल सो cool, so आपके हिसाब से क्रिएट कर लीजिए ओके तो वाइट है मैं इसको कर देता हूँ कलर को ओके थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ लाइट ग्रे रख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है बैकग्राउंड पे अब क्या करेंगे फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग एक हम लोग टेक्स्ट लेंगे और टाइप फेसेस मैं लिखूँगा यहाँ पे बलर टिक्स डिजाइन ओके दुल फॉर ब्लर ओनली भी लिख सकते हैं ठीक है मैं तो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं एरियल बोल्ड ही ले रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड like, uh, है रेगुलर बोल्ड है और मे बी यू कैन गो विथ अनदर फ़ॉन्ट लाइक डाइकोन है ठीक है उसमें से भी आप बोल्ड ले सकते हैं बहुत सारा मेरे पास गोथिक है और ये यहाँ पे बोल सकते है बोर्डनी भी है बोर्डनी यूज नहीं करेंगे इतना भी ठीक है तो अगर मैं देखता हूँ कोई सा अलग फोन पसंद आ जाता है तो गेमिंग लुक के लिए हाँ तो इसमें भी कॉपर भी यूज कर सकते हैं बट ये थोड़ा सा हैवी फोट है तो इसमें लाइक आपको थ्री एडियट्स पड़ा है इसमें यूज करने के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसका साइकोलॉजी फैक्ट साइकोलॉजिकल इंटेंट वहाँ पे जाता है क्योंकि स्लैप सेरिप्स में फन रहता है एक्सपेरिमेंटल रहता है ठीक है तो फन फैक्ट में ये सब यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे हम लोग बोल्ड यूज करने देख सकते हैं गौतम यूज कर रहा हूँ ओके सेंटर अलाइनमेंट ओके कूल अब बेसिक अब मैं बेसिक बताने वाला हूँ टाइपोग्राफी का कभी भी आप बोल्ड टाइपोग्राफी करने से पहले आप देख लीजिए क्या चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे ब्लर को क्या करूँगा इसका साइज का हिसाब से ले लूँगा ठीक है यहाँ पे कुछ ये ज़्यादा आ गया क्या हाँ सही ये चीज़ को बोलते हैं माइनर चेंजेस तो इसके लिए ऑलवेज प्रिपेयर रहिए क्योंकि दूसरे वाला बताएगा तो आपको डिजाइनर का वैल्यू नहीं होता है मैं बता रहा हूँ ठीक है ये मेरे रिमाइंड रखे मैं एट्टी परसेंट कर रहा हूँ ओके बेस्ट कूल सो अगर आपको ब्लीडिंग मतलब यहाँ पे जो स्पेस लाइन है ना yeah. कर्निंग बोलते हैं ठीक बे मतलब इस इसका बीच में से कर्निंग भी हर, कर सकते हैं बट मैं चाह रहा हूँ सिंपल टाइप वग्राफी ओके अब इसका क्या करेंगे एक और डुप्लीकेट लेता हूँ कंट्रोल जे और कमांड जे और मैं इसका कलर क्या करता हूँ अभी क्या करूँगा मे भी यहाँ पर मैंने देखो वेब कलर में हूँ ठीक है तो आप कन्फ्यूज मत होना कभी कभी इसमें से ऐसा स्मूथ पैनल आ रहा होता है किसी का और किसी का इस तरह का आता है तो मैं वेब कलर में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वाइब्रेंट कलर चाहिए अगेन कंट्रोल जे करता हूँ इसका भी अब इसको मैं क्या करता हूँ ब्लू उसमें ले लेता हूँ ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपने कि मैं कैसे कलर लेता हूँ बोल के ठीक है अब इसको मेन टेक से उसको ऊपर लेके आता हूँ और इसको ब्लैक रखता हूँ क्यों क्योंकि हम लोग को ऊपर दिखाई देना चाहिए और ये हो गया बेसिक मतलब ये पॉपी हो गया अब इसको क्या कर देंगे पता है अब मेन चीज़ है यहाँ पे आपको ध्यान देके सुनना है और देखना है मैं भी कुछ भी कर सकते बट मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ दो लेयर को बंद कर देता हूँ ठीक है समझ रहे आप और मैं भी एक और टेक्निक यूज करते हैं ठीक है इसको क्या कर देंगे कंट्रोल ई -E, मतलब पूरा ये मर्च हो गया एक है एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे कंट्रोल जे एंड मैं इसको लिख दूंगा ओर्क ओर्क लेयर ठीक है अगर फोटोशॉप में आप जब भी काम कर रहे हो ना प्लीज़ ऑलवेज क्रिएट अ नेम क्योंकि अगर बाद में कोई डिज़ाइनर उस लेयर पे काम करना चाह रहा है ना जैसे कि मान लीजिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है पी का तो आप काम करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये नेम का चीज़ यहाँ पे हो अपले इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या क्या करना है इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं करना है ठीक है ऐसा ही रहने देना है उसके बाद जाना है ब्लर ब्लर में जाना है अब यहाँ पे टेक्निक है देखिए बहुत सारे ब्लर है घासन ब्लर है ब्लर मोर है लेंस ब्लर है मोशन ब्लर है रेडियल ब्लर है सारे ब्लर मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मोशन ब्लर को पहले टेक्निक यूज मैं टेक्निक टेक्निक बता रहा हूँ ठीक है आपको टॉटोरियल्स नहीं बता रहा हूँ अगर टॉटोरियल सोच के अंदर आए हो तो आपको टेक्निक का बारे में जानने को मिलेगा और टोटोरियल्स कैसे बनाते पता है जो ऑलरेडी इंटरनेट में है उसको कैसे प्रेजेंट करते वो बताते बट टेक्निक सीखने के बाद ना आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो ठीक है थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे टिल्ट कर दूंगा अराउंड थर्टी टू थर्टी फाइव जिससे कि ऐसा लुक आ जाए लाइक ब्लरी काइंड ऑफ ओके तो इसका डेस्टिनेशन भी थोड़ा सा कम कर देते जिससे ब्लरनेस थोड़ा कम होगा और जो uh, हम लोग का जो कलर है ना थोड़ा मर्च होने लग जाएगा इसको ओके okay प्रेस करते हैं अभी ऑन करते हैं एक तो ए टेक्निक हो गया ठीक है अब इसको क्या करेंगे ठीक है ए होने के बाद अभी क्या करेंगे यहाँ पे एक और इफेक्ट यहाँ पे डालेंगे फिल्टर पे जाएंगे नॉइस जाएंगे ऐड नॉइस अब ये नॉइस क्या करेगा पता है डस्ट जैसा इफेक्ट कर देगा यहाँ पे और गेन में भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्मूथली दिख रहा है ठीक है ये हो गया हम लोग का एक इफेक्ट मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ ठीक है अब जाएंगे मेन टोटोरियल्स पे मैं इसको ऑनडू कर देता हूँ कंट्रोल जे कंट्रोल जे 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 अब यहाँ पे देखते हैं ठीक है थीके? तो उसके बाद क्या करेंगे मैं वो दो लेयर को बंद कर दिया है ठीक है मेन लेयर इसका लेयर और ब्लू में जा रहा हूँ ग्रीन में जा रहा हूँ सॉरी ग्रीन में फिल्टर में जा रहा है फिर से यहाँ पे क्या दिख रहा है ब्लर पे जा रहा है ब्लर पे जाने के बाद रेडियल ब्लर अब रेडियल ब्लर कैसे यूज़ होता है उसको आ, यूज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा इसका अमाउंट बढ़ा देंगे ठीक है रेडियल ब्लर ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना अभी थोड़ा सा ओके प्रेस करते हैं ये ये चीज़ को बोलते हैं रेडियल बल्बर मेरे को इतना नहीं चाहिए ठीक है तो अगेन मैं जाता हूँ ब्लर एंड रेडियल ब्लर रेजिस्टराइज और रेजिस्टराइज है ऑलरेडी तो इसका अमाउंट कर देते हैं अराउंड टेन क्योंकि मेरे को टेन पे बेस्ट आ, रिजल्ट आया हुआ है गुड भी कर सकते हैं ठीक है, है? बीट बेस्ट भी कर सकते हैं जूम भी कर सकते हैं जूम करके दिखाऊंगा अभी रुकिए ऐसा नहीं है स्पिन ओके स्पिन में क्या आता है थोड़ा सा मस्त इफेक्ट आता है इसको ऑन कर दीजिए यहाँ पे ऑन कर दीजिए अगेन ब्लू वाले लेयर पे जाइए जैसे कि ये ब्लैक है ठीक है ब्लू में जाइए फिल्टर रेडियल बलर अप्लाई कर दीजिए देखिए अभी इतना मस्त इफेक्ट आ रहा है ना जो यहाँ पे मैं टेक्निक्स बता रहा था ये भी सेम ही यूज़ कर सकते अभी क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे फिल्टर नोइस एड नोइस दैट्स इट क्या काम है इसमें कुछ भी नहीं है वही आपको जस्ट टेक्निक समझना है क्या चीज़ करने से क्या होता है देखिए कंप्लीट आपका ट्यूटोरियल्स ठीक है ट्यूटोरियल्स ऐसा नहीं होता है कि ट्यूटोरियल्स में आपको हाउ टू स्टाइल के एक ही चीज बनाना सीखना है नहीं एक आइडिया से आपको मल्टीपल आइडिया जनरेट करना है ठीक है इसको बोलते हैं टेक्निक्स तो एक और बार ट्राई करते हैं ठीक है न्यू आ, एक और दूसरा टेक्निक्स पे ठीक है सेम लेयर पे गए फिर मैं कंट्रोल जे कमांड जे कर रहा हूँ फिल्टर में जा रहा है फिर से ब्लर यहाँ पे देखिए स्टाइल्स है टेक्सचर है इसमें भी यूज कर सकते हैं ठीक है मैं टेक्सचर डाल के भी दिखाऊंगा अभी मोशन ब्लर मोशन कहाँ पे यूज करना है जैसे मान लीजिए लाइक रेसिंग ट्रैप प्लेटफॉर्म दिखा रहे हो या फिर पबजी का बैनर दिखा रहे हो उसमें यूज कर सकते हैं ठीक है और अब जा रहे हैं स्मार्ट ब्लर तो स्मार्ट ब्लर में क्या होता है मैं उतना यूज़ नहीं करता हूँ स्मार्ट ब्लर में लेकिन मेरे को पता है कि क्या चीज़ होता है यहाँ पे थ्रेटनिंग थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा लो दिखा रहा है मीडियम करते हैं नॉर्मल पे एज ओनली ठीक है एजेस में इफ़ेक्ट करेगा थोड़ा सा और थोड़ा इसमें मेरे को थर्टी रखना है बट मेरे को इतना यूज नहीं करता हूँ मैं पहले ही बोल रहा हूँ ठीक है तो इसका ट्वेंटी रख देता हूँ मेक श्योर आप यहाँ पे देख लीजिएगा ट्वेंटी थर्टी मीडियम एज ओनली ओके प्रेस करते हैं देखते हैं देख सकते हैं इसका टेक्स भी बंद कर दिया है बट यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ किस्म का पिक्सल जैसा बना दिया है। तो अब नेक्स्ट टेक्निक में हम लोग क्या एक्सप्लोर करने वाले ठीक है सेम लेयर पे जा रहा हूं मैं अगेन फ़िल्टर ब्लर से क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का में है ठीक है रेस्टोराइज कर देता हूँ अभी सेप में चला गया अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा नीचे अराउंड फिफ्टी ओके okay. मैं फिफ्टी ले रहा हूँ यहाँ पे सेप में भी डाल सकते इस इसी चीज़ को हम लोग दूसरा सेप में भी डाल सकते अगेन मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ब्लर सेम से, से ब्लर अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेम ही इफेक्ट से आपको प सिखाना है कि ये चीज़ बहुत है बोल के अब यहाँ पर जाऊँगा दोनों चीज़ को मैं मर्ज कर दूँगा आप बार बार लेयर पे अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है तो थे थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इसका ठीक है अब यहाँ पे क्या करूँगा फिल्टर पे जाऊँगा नोइस पे जाऊँगा डस्ट एंड स्क्रैचेस पे डाल दूंगा अभी ठीक है अब इसका क्या करूँगा मैं थ्रे रोल फोर्टी रखता हूँ और इसका रेडियस मैं थर्टी रखता हूँ जिसमें मेरे को अच्छा क्वालिटी आ जाए देख सकते है? इतना तक इतना डस्ट ही आ रहा है बट और मैं यहाँ पे एक और चीज करने वाला हूँ कंट्रोल जे कॉपी कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा हो गया है ब्लर अब यहाँ पे जा रहे हैं फर्स्ट लेयर पे इसमें ब्लैक कलर का फिल्टर में जा रहा है ब्लर में जा रहा हूँ ऑब यहाँ पे जा रहा हूँ बॉक्स ब्लर रेस्टराइज कर रहा हूँ ठीक है ज़्यादा नहीं करूँगा मैं ठीक है क्योंकि इसमें बहुत ही लाइक सेप में रेडिबिलिटी नहीं रहेगा थोड़ा सा फोर परसेंट ओके एंड अगेन गो विथ फिल्टर सेम चीज़ कर रहे हैं ना अब यहाँ पे जाऊंगा मैं टेक्सचर गेन ओके गे, अभी देखिए गेन पे क्या चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं टेक्सचर है ठीक है कोई सा भी बट यही चीज़ मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा सा पीछे आते हैं थोड़ा सा ओके ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक किस्म का इतना अच्छा तरीके से हम लोगों ने रिजल्ट क्रिएट किया है एक कैसे हुआ है पता है यहाँ पे मैंने कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट क्लेयर करके इसको लेयर को दूसरे लेयर पे अटैच किया है तो अभी इसको कैसे कर सकते हैं देख सकते हैं मैं बताता हूँ इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ा सा इसको लाइक ओके ठीक है ये एक दूसरा हो गया इफेक्ट और मैं इसको कंट्रोल जे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ए, ए, अगेन एंड अगेन सेम लेयर पे जाके काम करके कर, करने को अच्छा नहीं लगता ठीक है तो इसको यहाँ पे कर दिया ओके तो इसको कर दिया मैंने रेजिस्ट्राइज ठीक है अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ शॉर्टकट कंट्रोल ई ओके दैट्स मेन लेयर और क्लियर ओके सो मेक इट डुप्लीकेट ऑफ कंट्रोल जे एंड गो टू फिल्टर एंड ब्लर एंड अगेन गो टू नॉट गैस एंड ब्लर बॉक्स ब्लर और मे बी यू कैन यूज अन ओके सो गो विथ टेन अराउंड ओके टेन इज़ फाइन And let's go and we'll add a noise and add noise, it's uh, that kind of okay. Little bit this, and okay, press okay, and again go to the filter blur. And this time we will apply motion blur, okay. Motion blur changes direction vertically, and this is okay. Let's change some distinct distance, okay. This is okay. and this like this okay I'll put here around five percent okay and let's bring it down and let's move this and let's and and go to the filter and liquefy. liquify liquify tool में जाके हमलोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसको क्या करना है stretch कर देना है जिससे कि थोड़ा सा वैसी look को बाहर की तरफ हम लोग टचते हैं जैसा कि वहाँ पे था ओके तो इसमें उतना नहीं करना पड़ेगा मैं चाह रहा हूँ कि एक कप जैसा बने कब्स जैसा ठीक है ओके तो बॉल टूल को भी थोड़ा सा ऊपर लेंगे ओके बीज को एंड आर को थोड़ा ज़्यादा पुश करूँगा क्योंकि इसमें मेरे को ज़्यादा इफेक्ट्स चाहिए ओके ओके थोड़ा और खींचना पड़ेगा ओके मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए बिफोर एंडिंग वीडियो, सो ओके then, ठीक है और थोड़ा सा क्या करेंगे इसको फर्स्ट लेयर मेन लेयर पे जाएंगे इसको थोड़ा सा नीचे करके डाउन कर देंगे और इसको मर्च करने के लिए क्या करेंगे एक ब्लेंडिंग ऑप्शन स्क्रीन पे रख देंगे ठीक है अब देख सकते हैं ये कितना मस्त दिख रहा है आपको पता है अगर मैं इसको वाइट कर दूंगा कस्टम देख सकते हैं इतना पॉप होता है ना ऐसा इस किसी ऐसा डिजाइन ना आपको कभी भी नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है एक्सपेरिमेंट करना है ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको एक्सपेरिमेंट करना है और कुछ भी नहीं जस्ट लाइक स्क्रीन मोड भी चेंज कर सकते हो देख सकते हो मैं नीचे ऊपर जा रहा हूँ ठीक है कौन सा क्वालिटी में हम लोग को अच्छा दिखेगा ठीक है ओके सो यहाँ पे यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा इधर ओके कूल सो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करके भी लाइट रूम पे भी इसमें भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि ब्लू थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है और थोड़ा एजेस इसको मास्क कर सकते हैं मास्क करके ठीक है आप आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा एजेस को बंद कर देते क्योंकि एजेस नहीं दिखाना है उतना एजेस दिखाया तो जो चीज़ हम लोग दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं दिखता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा रिफाइन आउट करना पड़ेगा ओके इतना सा दिख रहा है ना अभी कि ब्लर कैसे हाईलाइट हाई हो रहा है इसको बोलते हैं टाइपोग्राफिक डिज़ाइन आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना नॉट ओनली सब्सक्राइब ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में से यू एंड स्टे क्रिएटिव